हेलो फ्रेंड्स, आज हम पार्टनरशिप अकाउंट के अंदर करेंगे नेचर एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। देखो, जो गुडविल है इसको डिफाइन करना जो है बहुत ही डिफ़िकल्ट है, लेकिन इसका मीनिंग समझना जो है इजी है। देखो, गुडविल का अर्थ होता है रेपुटेशन क्या है बिजनेस की। देखो, जो गुडविल है ये भी एक फिक्स एसेट होता है, बट ये एक इंटेंजिबल एसेट होता है जिसको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। और यहाँ पे क्या होता है कि जो फर्म है या बिजनेसमैन है या कंपनी जो है गुडविल कैसे क्रिएट करती है, एक होता है कि क्वालिटी चीज़ें प्रोड्यूस करती है, क्वालिटी रिलेशन अपने कस्टमर के साथ मेंटेन करती है, उनके प्रॉब्लम को समझती है, और उस फर्म की या कंपनी की जो इमेज होती है ऑनेस्टी एंड इंटीग्रेटेड वाली होती है, तो यहाँ पे हम कहते हैं कि इसकी गुडविल है। और देखो, ये सीमेंटेड विद बिजनेस का मतलब होता है कि अगर बिजनेस एग्जिस्ट करता है तो गुडविल भी एग्जिस्ट करती है। इसको बिजनेस के साथ ही सेल किया जा सकता है। इसको हम जो फिक्स एसेट जैसे बिल्डिंग मशीनरी है उसको हम सेपरेटली भी सेल कर सकते हैं, लेकिन इसको हम बिजनेस अगर हमारा रनिंग है तो ही हम गुडविल जो है उसको सेल कर सकते हैं। देखो, यहाँ पे गुडविल का अर्थ होता है कि देखो, जैसे कोई बिजनेस हम रन कर रहे हैं तो उसके अंदर हमने टेंजिबल एसेट के अंदर इन्वेस्टमेंट की है, तो वहाँ पे अगर हमें नॉर्मल रिटर्न से ज़्यादा रिटर्न मिलती है तो डैट इज़ कॉल्ड गुडविल। और उसी तरह क्या है कि अगर हमारा बिजनेस जो है उसके अंदर फ्यूचर के अंदर प्रॉफिट कमाने की कैपेसिटी है तो उसको भी हम कहते हैं गुडविल। अब देखो, गुडविल जो है कई जगह पे कंपल्सरी होती है, कुछ सिचुएशंस के अंदर। अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है, देखो जब वो सोल प्रोप्राइटरशिप जब किसी और को सेल की जाती है तो वहाँ पे भी गुडविल की वैल्यू लगाई जाती है। और उसी तरह जब सोल प्रोप्राइटरशिप को हम पार्टनरशिप के अंदर कन्वर्ट करते हैं या कंपनी के अंदर कन्वर्ट करते हैं तब भी हमें गुडविल की वैल्यू करने की ज़रूरत होती है कि इसकी गुडविल कितनी है। और उसी तरह पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है कि न्यू पार्टनर जब एडमिट होता है या कोई पार्टनर रिटायर होता है या कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है या हम पार्टनरशिप फॉर्म दूसरे को सेल कर दी जाती है या वो अमेलगेमेट हो जाती हैं या कंपनी फॉर्म में कन्वर्ट होती हैं तो वहाँ पे भी गुडविल की वैल्यूएशन जो है लगाई जाती है। और उसी तरह देखो, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के अंदर क्या होता है कि अगर दूसरी कंपनी उसको अक्वायर कर लेती है वहाँ पे अमेलगेमेट हो जाती है, दो कंपनी मिलके एक तीसरी कंपनी में कन्वर्ट हो जाती हैं। या हमने कहा कि गुडविल को हमने पास्ट में राइट ऑफ कर दिया था लेकिन प्रेजेंटली हम इसको शो करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी गुडविल की वैल्यूएशन लगाई जाती है। या होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी की जब बैलेंस शीट की कंसोलिडेशन होती है वहाँ पे भी गुडविल की वैल्यू लगाई जाती है। जब शेयर की वैल्यू जो है इंट्रेंसिक या फेयर या मार्केट प्राइस पे लगाई जाती है तो वहाँ पे भी हम गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं। जब एक क्लास ऑफ शेयर को दूसरे में कन्वर्ट करते हैं तो वहां पे भी जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है उसको हम करते हैं। अब हम देखते हैं कि जो फैक्टर जो है कहते हैं कि इसकी गुडविल ज्यादा है या इसकी गुडविल कम है तो वो कौन से फैक्टर्स हैं। जो एक तो नेचर ऑफ द बिजनेस है, देखो अगर बिजनेस जो है हमारा इस नेचर का है जिसके अंदर हमारे प्रॉफिट काफ़ी अच्छे हैं और साथ में क्या है कि प्रॉफिट एंड सेल्स स्टेबल हैं तो हम कहते हैं कि इसकी गुडविल ज़्यादा है। बट अगर क्या है कि वहाँ पे इनस्टेबिलिटी है, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है, फ्लक्चुएट करते हैं तो उसकी गुडविल कम होगी। उसी तरह जिन बिजनेस के अंदर क्या होता है कि रिस्क बहुत ज़्यादा होता है उनकी भी गुडविल कम होती है, और जिनके अंदर रिस्क कम होता है उनकी ज़्यादा गुडविल होती है। और उसी तरह जिस बिज़नेस के अंदर मोनोपोली होती है, कंपटीशन नहीं होता, वहाँ पे भी गुडविल ज़्यादा होती है। और उसी तरह क्या होता है कि जो फर्म गुड्स के अंदर डील करती हैं वो पॉपुलरली मतलब लोग पहचानते हैं, उसका ट्रेड नाम रजिस्टर्ड है और रिकॉग्निशन है तो वहाँ पे भी गुडविल ज़्यादा होगी। और अगर गवर्नमेंट की फेवर मिलती है तो वहाँ पे भी गुडविल ज़्यादा होती है। और उसी तरह मैनेजमेंट स्किल अच्छी है तो वहाँ पे भी गुडविल ज़्यादा होती है। अगर हमारा बिज़नेस जो है ऐसी प्राइम लोकेशन में सिचुएटेड है तो वहाँ पे गुडविल ज़्यादा होगी। अगर हमारा बिज़नेस रिमोट एरिया में सिचुएटेड है तो वहाँ पे गुडविल कम होती है। और उसी तरह हमारे पास अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं तो गुडविल ज़्यादा होगी। और अगर फ्यूचर में लगता है कि कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, कोई राइवलरी नहीं है तो वहाँ पर भी गुडविल ज़्यादा होती है। और उसी तरह क्या है कि हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और वो
हमें ज़्यादा प्रॉफिट्स लाने की पॉसिबिलिटी है, तो वहाँ पे भी क्या है कि गुडविल की वैल्यू बढ़ जाएगी। और उसी तरह क्या होता है कि अगर हम बिज़नेस के अंदर थोड़ा पैसा लगा के ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं तो वहाँ पे गुडविल ज़्यादा होती है। और उसी तरह देखो, अगर हमारे प्रॉफिट है पहले से इंक्रीज़ हो रहे हैं और फ्लक्चुएशन नहीं है, स्टेबल है और इंक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी गुडविल ज़्यादा होगी। और उसी तरह मनी मार्केट कंडीशन के अंदर क्या है कि जहाँ पे हमें आसानी के साथ जो है पैसा अरेंज हो जाता है, तो वहाँ पे भी वैल्यू ऑफ़ गुडविल ज़्यादा होती है। और अगर मनी लिमिटेड है तो वैल्यू ऑफ़ गुडविल भी जो है कम होती है। अब हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ़ द गुडविल। देखो, जो गुडविल है ये एक इनटेंजिबल एसेट है और ये फिक्स एसेट होती है। लेकिन फिक्स एसेट जैसे दूसरी एसेट्स होती हैं, इनको हम इंडिपेंडेंटली सेल नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या होता है कि जब बिज़नेस को सेल किया जाता है तभी गुडविल की वैल्यूएशन लगाई जाती है। और गुडविल जो है बिज़नेस से सेपरेटली हम नहीं कर सकते। गुडविल बिज़नेस एग्जिस्ट करता है तो ही गुडविल एग्जिस्ट करती है, और ये सिर्फ सेल की सिचुएशन के अंदर ही हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और गुडविल का जो जनरली अर्थ होता है रेपुटेशन एंड प्रॉफिट के साथ जुड़ा हुआ होता है। अब हम देखते हैं कि जो गुड क्लासिफिकेशन को हम देखते हैं कि जो गुडविल है इसको हम दो वे से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन है, एक जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। देखो, अकाउंटिंग के अंदर क्या है, एक परचेज गुडविल है, एक सेल्फ जनरेटेड है। परचेज के अंदर क्या होता है कि देखो, जब हम बिजनेस को परचेज करते हैं तो इसको हम बैलेंस शीट के अंदर नॉन करंट एसेट के अंदर शो करते हैं। लेकिन जो सेल्फ जनरेटेड होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने खुद ने जनरेट की होती है और यहाँ पे हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो है इसको शो नहीं करते। जो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है ये बेसिकली व्हाइट मैन स्मिथ मोटर कंपनी के अंदर वी चैपलन ने दी थी। उसने जियोलॉजिकली काफ़ी सारे कस्टमर को उन्होंने आइडेंटिफाई किया था, कैट्स, डॉग्स, रैट्स एंड रैबिट्स, जिसको हम अगली स्लाइड में करते हैं। देखो, यहाँ पे जो डॉग गुडविल है, यहाँ पे जो फेथफुल डॉग होता है, देखो वो अपने ऑनर, प्रीवियस ऑनर के साथ जुड़ा हुआ होता है। वो जगह के साथ उसको अटैचमेंट नहीं होती। ये आउटगोइंग पार्टनर जो है उसके साथ जुड़ा होता है, तो नेचुरली ये पर्सनल गुडविल होती है और ये प्रोफेशंस के अंदर फाइंड आउट की जाती है। और जो कैट गुडविल होती है, यहाँ पे क्या होता है कि देखो, जैसे डॉग है वो बंदे के साथ अटैच होता है, कैट जो होती है वो जगह के साथ अटैच होती है। जो पुराना ऑनर छोड़ जाता है, जो नया ऑनर रहता है, ये उसी जगह के ऊपर ही टिकी रहेगी। और उसी तरह ही देखो, जो रैट गुडविल होती है, इसको कोई अटैचमेंट नहीं होती, ना तो ऑनर के साथ ना ही उस जगह के साथ। ये तो होता है कि कहीं से भी मिल जाए तो चलेगा। और उसी तरह ही देखो, जो रैबिट गुडविल होती है, इसके अंदर क्या होता है कि ये नज़दीक ही रहना चाहता है और ये दूर नहीं जाना चाहता। और ये बेसिकली ना तो ऑनर को इम्पोर्टेंस देता है, ना प्लेस को इम्पोर्टेंस देता है। ये देता है कि जो चीज़ें जो है उसको उस शॉप से मिल जाए जो इसके घर के पास होती है। तो इस तरह की जो गुडविल होती है उसकी बहुत ही लो मार्केट वैल्यू होती है।